ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਅੱਜ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। परिवार का इल्जाम है कि नशा करने वाले ने ही उसका कतल किया है। चार दिनों तो यह नौजवान लापता सी, जो लगातार नशा एक बड़ी वजह बन रहा है जिस नाल नौजवानों की मौत हो रही है ते दो होर घरां दे चिराग ने इस नशे के चलद ही बुझ गए ने। दस दिए कि नौजवान जो चार दिनों तो लापता सी, बोरी चो इसकी लाश बरामद हुई है। मोगा दे विच बोरी दे विच नौजवान की लाश मिली है। परिवार का इल्जाम है कि नशा करने वाले ने ही इसका कतल किया है। फिलहाल पुलिस वालों मामले की जांच जरूर की जा रही है, लेकिन इस गल तो इनकार किया नहीं जा सकता कि किस कदर नशे जड़े ने इन नौजवानों की जान से पारू पै रहे हैं। अमृतसर ते मोगा की तस्वीर जिथे कि दो नौजवानों की मौत हुई है नशा के चलद। बेटा मेरा चिट्टा चिट्टा लाउंदा जी, सादल बस्ती जाए चिट्टा लाने वास्ते गड्डी ते आया जी, तो इतों मैं फोन गया SHO का, मैनू भी तुहाडी गड्डी खड़ी है इतने गड्डी लै जाओ। गड्डी तो इन्होंने देती मैनू, तो कह गड्डी चकाती मैं, तो गड्डी लै जा। मैं कहा मेरा बेटा भी दसो, पर इन्हें बेटा ने मैं दसिया नहीं मेरा कोई भी। मैं कहा मेरा बेटा गुम होगा, बेटा भी दसो ना, मेरी इन्हें कोई दरखास्त लिखी आ ना मेरा कोई बेटे बारे दस मेरा कोई। ये लाश मिलिया नहर चो मिले ना, ये सारा बच जिते चिट्टा लाऊंदा सीगा उन्होंने इनू मार के इतने नहर आ बोना चौक के कोले कोई कोई उत्थे ना बोरे च पा के सिट के आंदी ने। बस इंसाफ चाहते हैं जो इन्होंने किया, इन्होंने है मेरे घर बोरे च पा के सिटा नाले च